हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शक्ति ट्रेडर्स। तो बहुत ही एक अलग सा ही सुनने में लगा, अलग सा ही देखने में लगा कि सैटरडे को मार्केट ओपन रहेगा। शायद ये इंडियन हिस्ट्री में पहली बार हो रहा होगा कि सैटरडे के दिन लाइव मार्केट यानी कि स्टॉक एक्सचेंज ओपन है और इक्विटी ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग सब कुछ होगा, बट कुछ पार्ट पार्ट में, हाँ बारी बारी में होगा, रेगुलर ट्रेडिंग जैसे बिल्कुल ही नहीं होगा। तो उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और आज का जो सेशन गया है निफ्टी बैंक निफ्टी का, ये कैसे रहा है? हमने एक बैंक निफ्टी ट्रेड दिया था, हमने एक बैंक निफ्टी ट्रेड दिया था हमारा टेलीग्राम चैनल पे, वो फेल हुआ। हाँ गाइस, कोई ऐसे चैनल होगा कि आपको बताएगा कि हमने ये कॉल दिया और वो स्टॉप लॉस खा गया? नहीं, मैं बता रहा हूं कि मेरा ट्रेड स्टॉप लॉस हिट हुआ, बट क्यों हुआ वो भी बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कल का सेशन मार्केट कैसे रहेगा, आप लोगों को कल का सेशन पे किस तरीके से काम करना चाहिए, ये तमाम चीज मैं आज इस छोटा सा वीडियो के माध्यम से आपको जरूर बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले देखते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ। ठीक है, तो देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और यहाँ पे देख पा रहा हूँ सुबह का एक पॉजिटिवनेस तो था, बट ये हाई अगर देखोगे ना, सुबह 5 मिनट का हाई है। तो इसके रेंज के अंदर अगर मैं 5 मिनट का चार्ट बिताऊं, अगर मैं 5 मिनट का चार्ट बताऊं तो पूरा दिख रहा है कि सुबह ये है कि इसका रेंज बनाया था और उसके बाद जो ट्रेडिंग का मौका हमारे को मिल रहा था, वो मौका कहाँ पे मिल रहा था? एज पर प्राइस एक्शन मुझे ये ट्रेंड लाइन जाता हुआ, और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने के बाद आपको फिर से पुट साइड। बट सबसे इंटरेस्टेड चीज जो है वो है हमारा ये टाइमिंग। ओके, कल का मार्केट का टाइमिंग ध्यान से देखिएगा, कल का मार्केट का टाइमिंग क्या है। तो कल का मार्केट का टाइमिंग रहेगा आपको सुबह 9 बजे से लेके 9:08 जैसे प्री ओपन मार्केट चलता है, ये प्री ओपन मार्केट कल भी चलेगा। ठीक है, और 9:15 से लेके 9:15 से लेके 10 o'clock तक, देखो यहाँ पे लिखा है लाइव ट्रेडिंग फ्रॉम प्राइमरी साइड टेस्टिंग, ट्रेडिंग साइड वन, यहाँ पे टेस्टिंग कर रही है एनएससी इंडिया की सैटरडे को मार्केट ओपन रख के, और कुछ प्राइमरी टेस्टिंग कर रही है, तो इसलिए ये लाइव ट्रेडिंग को ऑन रख रहे हैं। ठीक है, तो 9:15 से लेकर 10 o'clock तक मार्केट ओपन रहेगा, फिर मार्केट बंद हो जाएगा। बड़ा अजब चीज है, 10 बजे फिर मार्केट बंद हो जाएगा। यस, बोल रहे आप थोड़ा घूम फिर के आ जाओ, 11:15 से लेके 11:15 से लेके फिर से मार्केट ओपन होगा। ओके, 11:15 से 11:23 प्री ओपन मार्केट चलेगा, और नॉर्मल मार्केट 11:30 से लेके और 12:30 तक ये नॉर्मल मार्केट चलेगा। इक्विटी एफएनडो के ऊपर यहां पे भी लिखा है आपको कि इस टाइप का मार्केट चलेगा, और मार्केट क्लोज हो जाएंगे। अब देखो क्लोजिंग सेटअप 12:40 से लेके 12:50, ये आपको क्लोजिंग सेटअप का टाइमिंग रहेगा। ओके, तो टाइमिंग के बारे में शायद आपको कोई डाउट नहीं आया अभी। अब इस टाइमिंग ऐसे ऐसे अगर मार्केट ओपन होगा तो हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं? क्या हम 9:15 से 10 AM के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा बना सकते हैं? क्या हम यहाँ पे 11:30 से लेके 12:30 तक, यहाँ पे भी 1 घंटा, वहां पे भी 1 घंटा, 1 घंटे के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करके हम पैसा बना सकते हैं? सर, जो हमारे फॉलोअर्स है उनको मैं बताऊंगा। पहली बात तो क्या बोलते हैं कि सर, फ्राइडे के दिन मंडे के लिए कोई पोजिशन कैरी नहीं करना है। अगर आपने किए होंगे और कल का दिन पे प्रॉफिट मिल रहा होगा तो मैं बताऊंगा थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कीजिए। अब अगर टेक्निकल की बात करें तो यहां पे आपको बताऊंगा कि फिलहाल जो नॉर्मल नजर से मुझे लगता है कि जब तक निफ्टी करंट प्राइस से फ्यूचर प्राइस पॉजिटिव होता है तो एक पॉजिटिव मार्केट का व्यू रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा व्यू रहेगा पॉजिटिव। अभी बज रहा है 2:40, अभी मार्केट क्लोज होने में मुझे 40 मिनट्स का टाइम बाकी है, तो अभी तक जो डेटा है वो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स का डेटा है। अब मैं जो चीज बताया था कि आज मैं एक ट्रेड दिया था वो फेल क्यों हुआ। ओके, देखो फेल क्यों हुआ इसका अगर मैं आपसे समझाऊं, सबसे पहली बात है कि आपको बहुत अच्छे से ये चीज को समझ लेना है। देखो पहला 5 मिनट का हाई, ओके, मार्केट ने ब्रेक किया, लेकिन पिछला दिन का जो हाई था ये हाई एक रेजिस्टेंस लेवल था। ठीक है, और वही हाई लेवल से मार्केट में आया प्रॉफिट बुकिंग, बट ऐसी जगह पे जो चीज मैं देखता हूं, यहाँ पे मैं देखता हूँ कि 46,000 के ऊपर, 46,100 के ऊपर ऑप्शन में पुट सेलर कितना आ रहा है। तो उस वक्त ऑप्शन में पुट सेलर ठीक ठाक ही था, लेकिन एज पर प्राइस एक्शन की अगर आप ऑन आवर्स का चार्ट देखोगे, ऑन आवर्स का चार्ट देखोगे तो आपको यहाँ से दिखाई देगा कि ये है हमारा प्रीवियस हाई। ठीक है सर, ये होता है टेक्निकल, ध्यान से देखिएगा।
बट यहाँ पे ऑप्शन चेन का एक कुछ पुट साइड पे सेलिंग प्रेशर ज्यादा था, जिसकी वजह से मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसको ऊपर भी जा सकता है, थोड़ी सी पॉइंट जाने से हमें टारगेट हो जाना था। ठीक है, तो एक कॉल जो हमारा इसके वजह से मिस हुआ है, बट उसके बाद मैं बहुत क्लियरली बता दिया कि मार्केट का सेंटिमेंट आज ऐसे ही रहेगा। होता क्या है, साइकोलॉजिकल हैंग आप कैसे हो जाते हो, साइकोलॉजिकल हैंग, सुबह सब कुछ अच्छा देखा, मुझे ये ट्रेड लॉस हो गया, हमने उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में, अब देखो बैंक निफ्टी कितना परेशान किया आज, कितना परेशान किया आज। देखो जब इतनी बड़ी एक गिरावट आ जाता है ना, तो नॉर्मल ट्रेडर्स इस गिरावट को पकड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, जब तक ना आप एसएल ऑर्डर लगा के रखोगे, जब तक ना आप एसएल ऑर्डर लगा के रखोगे, तब तक आप इसे बाइंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि इतनी फास्ट मोमेंटम हो जाता है। बाइंग हुआ, टारगेट प्रॉफिट बुक, साइकोलॉजिकल हैंग हो जाते हो आप, उससे बचो। हमारा क्लास के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज देता हूं कि आपको जो इतनी बड़ी अचानक से मूव आएगा तो आपको बाइंग कैसे करना होगा। ओके, तो हमने यहां से एक अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप देख रहे हो कि इस लेवल को ब्रेक होते ही, बट कभी कभी हम फॉल्स फॉल्स ट्रेड के शिकार भी बन जाते हैं। जैसे मैं आज देख रहा था कि यहाँ पे 46,000 के ऊपर सपोर्ट था, तो इसलिए जैसे ही इसके नीचे आया तो फिर से एक बार रिवर्स मिला मार्केट, और फिर इसी रफ्तार से मार्केट धीरे 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 डाउन साइड में होता रहा। ओके, तो इसलिए मेरा एनालिसिस के अगेंस्ट में चल रहा था, तो मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा कोई ट्रेड नहीं दिया था। ओके, और नेक्स्ट कल के लिए जब यही सिनारीज, देखो ध्यान से देखना सर, ये सिनारीज अगर पॉजिटिव ट्रेंड में बदलता है तभी आप जाओगे पॉजिटिव साइड में, लेकिन बैंक निफ्टी और निफ्टी आज बिल्कुल ऑपोजिट चल रहा है। ध्यान से देखिएगा कि धीरे धीरे टाइम एंडिंग होने जा रहा है और निफ्टी फ्यूचर के ऊपर सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी फ्यूचर में ऑलरेडी सेलिंग प्रेशर इंक्रीज हुआ है, तो ऑन डे का चार्ट, अभी अगर फाइनली मैं ऑन डे का चार्ट देखूंगा तो आपको कुछ निराश करने वाला कैंडल लग रहा है। फुल्ली प्राइस एक्शन है सर, यहाँ पे निराश करने वाला कैंडल लग रहा है। देखो ये एक गैप रह गया था, तो मार्केट को इस गैप को फुलफिल करना चाहिए, और शायद इसी के लिए मार्केट तेजी से नीचे की तरफ आ रहा है। अगर निफ्टी का भी चार्ट ओपन करूंगा तो निफ्टी का चार्ट में तो कुछ पॉजिटिव इशारा लग रहा है, बट ये जो अप ट्रेंड जब मार्केट होता है, ठीक है, देखो हर रोज वीडियो में मैं कुछ ना कुछ आपको सिखाता हूँ, तो क्या है, ये जो अप ट्रेंड मार्केट जब तक होता है तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, ये होता है अप ट्रेंड के बीच में सपोर्ट। ठीक है, और ये जो सपोर्ट होता है जब, ये क्या है, अप ट्रेंड लेवल को डाउन ब्रेक किया मार्केट, तो ये अभी के लिए आपको इस रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर इसके ऊपर फिर से स्टेबल हो गया है तो फिर अप ट्रेंड वाला जोन में आ जाएगा, आर ऐसा समझ में, तो इसीलिए इसको ब्रेक भी नहीं कर रहा है और पूरा दिन एक छोटी सी स्मॉल कैंडल है। कल मार्केट के लिए आप लोग कोई पोजीशन लेके मत चलिएगा, और कल मार्केट में मेरा जो फाइनली सलाह है, ऑप्शन ट्रेड बिल्कुल ही मत कीजिएगा। बस देखिए कैसे मार्केट ओपन हो रहा है, अगर आपके पास टाइम है तो चुपचाप बैठ के देखिए, अदरवाइज छुट्टी ले लो, कोई बात देखो। ओके, चलो फ्रेंड्स, आशा करता हूं सैटरडे सेशन का जो मार्केट है बहुत इंटरेस्टिंग मार्केट है, वो हम टाइमिंग भी पता चले, आज का मार्केट में क्या गलती हुआ ये भी हमें पता चले, गलती को सुधारेंगे तभी आप अच्छा ट्रेडर बनेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, आज का वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।